चलें जनाब। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, माय नेम इज अरसलान एंड आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास। सो इन द फर्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी वेरी बेसिक एंड कोर थिंग्स अबाउट योर पाकिस्तान स्टडीज पेपर। ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाइट ब्रीफली अबाउट द पेपर पैटर्न, दैट हाउ यू हैव टू एग्जैक्टली अटेम्प्ट the Pakistan Studies papers. Basically, Pakistan Studies has two variants. It has paper one and paper two. Paper one belongs to your history side. Your history portion will be examined. And paper two belongs to your geography section. So first of all, we are going to discuss briefly what is actually history section contains. And what are the questions, what are those areas जो कि आपसे history section में जो है वो examine किए जाते हैं। I wish that you all have some idea about your history and geography paper. You must have learned all these things, whatever we are going to study in this class, in your previous classes. आपने prep की classes में इसको पढ़ा होगा और it won't be something जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ें होंगी। Everything will be something जो कि आपने पहले से पढ़ के आ चुके होंगे, but यहाँ पे इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका different होगा and we will be discussing it in a way जिस तरीके से आपने इसको exactly अपने exam में attempt करना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, जहाँ पे आपका कोई question हो, if you really want to ask anything, the better way to ask a question is just leave a message in the chat box. मैं constantly अपना chat box जो है वो review करता रहता हूँ and once I've got three, four questions, तो मैं उसको एक साथ answer कर देता हूँ और अगर बेहतर होता है तो फिर मैं क्लास के एंड पे जब हम अपना सेशन एंड कर रहे होते हैं, सो लास्ट के 7-8 मिनट्स हम क्वेश्चंस के लिए रखते हैं, तो उस वक्त जो है हम इन क्वेश्चंस को जो एक साथ आंसर कर देंगे। क्लियर? चलिए, स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग इन। अच्छा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों टू प्लीज अपने जो क्लास की टाइमिंग्स है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे, वॉट एवर द क्लास टाइमिंग इज, यू हैव टू फॉलो इट। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम प्लीज बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर वन हिस्ट्री, हिस्ट्री पेपर हैज बेसिकली टू सेक्शंस। It has been divided into two sections, section A and section B. Clear? I am going to highlight the things जो कि मैं discuss करूंगा और उसके साथ साथ जो है वो हम चीजों को answer भी करते चले जाएंगे और discuss भी करते चले जाएंगे। First of all, let's discuss about section A. ठीक है, history paper section A. By the way, before we move on to this, ये बात याद रखिएगा कि ओ लेवल्स का जो आपका पेपर होगा उसमें पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर कोड है दैट इज 2059 एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट पाकिस्तान स्टडीज पेपर हैज टू वेरिएंट्स, पेपर वन एंड पेपर टू। तो हिस्ट्री जो है आपका वेरिएंट वन है, पेपर वन। ठीक है, सो 2059/1 इज द पेपर कोड फॉर हिस्ट्री पेपर। ठीक है, 2059/1 is the paper code for history paper and 2059/2 is the code for your geography paper. चलें, as I've told you कि जी history paper में हमारे पास दो sections हैं, section A and section B. The total weightage of your history paper is 75 marks. 75 marks का आपका ये total paper है. Clear? इस 75 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम जरा अभी चेक कर लेते हैं। हियर इज द पेंसिल। चलिए, ठीक है, सेक्शन ए इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ 25 मार्क्स एंड लेट मी टेल यू दिस दैट सेक्शन ए इज ए कंपलसरी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा इट ओनली कंटेन्स वन क्वेश्चन और उस एक क्वेश्चन को आपने हर हाल में जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, दैट इज योर कंपलसरी क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें एंड बाय द वे इट इज ऑफ 25 मार्क्स एज वेल। सही, 25 मार्क्स का आपके पास ये पेपर होता है, ये क्वेश्चन होता है।
and you have to attempt it on the compulsory basis. Uske baad agar hum baat karte hain, this paper basically contains 4 parts. Theek hai? As you can see over here, it contains 4 parts. The part A is basically source A. Ye sources kya hain? Ye bhi abhi main aapko bata deta hun. Source B, which is of 5 marks. Part 3 is of 7 marks. And part D is of, part D is of 10 marks. The basic technique, or you can say the basic trick of attempting these particular question is, sari yahan pe jo maharat hai aapki, wo ye hai ki aapne in questions ko attempt kis tarike se karna hai. We have a lot of knowledge, we have a lot of information, jisko hum apne hisab se jo hai wo answer bhi kar sakte hain, hame bahut sari cheezon ka pata hota hai, but in your O level papers, the basic technique or the basic trick to get the maximum marks is, you must know what is the actual pattern of answering the questions. Jisko is baat ka jawab pata hai, he or she can get the maximum marks. Clear? So in our later classes, we will be discussing what is the actual pattern of attempting the history and geography paper. Chunki wo cheez zyada zaruri hai. Theek hai mere bachcho? In the next slide, I will be showing you what actually your paper looks like. Wo sari ki sari cheezein bhi aapko nazar aayengi. But filhal, for the time being, question number 1, which is a compulsory question, it is of 25 marks and it contains 4 parts. और इन चारों पार्ट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया. क्लियर? मूविंग ऑन. ये एक काम कर लेते हैं कि सेक्शन बी पे जाने से पहले लेट मी शो यू द एक्चुअल पिक्चर ऑफ योर सेक्शन ए. चलिए इसको जरा सा हम क्लियर करते हैं स्क्रीन को. दिस इज योर कवर पेज फॉर योर ओ लेवल्स पेपर. ये आपका कवर पेज होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा. ठीक है, आई एम शेयरिंग वेरी वेरी रिसेंट पेपर जो कि अभी 2020 के अंदर मई जून के अटेम्प्ट में लिया गया है. ठीक है, ये आपकी सारी डिटेल्स हैं. 2059/1, दैट मींस कि ये हिस्ट्री पेपर है. कब ये एग्जाम हुआ है? मई जून 2020. ठीक है, लास्ट ईयर की बात है. ये बात भी याद रखिएगा कि हिस्ट्री पेपर के को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल बी गिवन 1 hour 30 minutes, 90 minutes का आपके पास टाइम होगा. क्लियर? एंड द प्रो टिप, ठीक, पहली क्लास में आपको एक टिप ये दे देता हूं कि इफ यू वांट टू कॉन्कर दिस एग्जाम, इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एग्जाम, यू विल हैव टू डील विद द टाइम. यू मस्ट बी अ गुड मैनेजर इन टाइम, क्योंकि इस्लामियात का पेपर हो गया या पाकिस्तानी स्टडीज का पेपर हो गया, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं टाइम को मैनेज ना करके. बिकॉज लेंथी पेपर्स होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें रिक्वायर्ड होती है, लिखना बहुत ज्यादा आपको होता है, तो अगर आपने 90 मिनट्स को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया, देन यू वोंट बी एबल टू गेट द गुड स्कोर इन योर एग्जाम. तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें हम थ्रू आउट द सेशन सीखेंगे. क्लियर? 90 मिनट्स आर देयर, 3 questions यू हैव टू अटेम्प्ट. ठीक, अगली बात which is very, very important, and that is the instructions. ये आपका जो cover page होगा आपकी answer sheet का, इस पे आपने instructions बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं. Section A, जिसमें question number 1 है, अभी हमने discuss किया last slide के अंदर, that is a compulsory question. Section B, अभी हम discuss करेंगे, it has 4 questions. You have to attempt any 2 of them. Clear? Each question is of 25 marks. Total आपका जो paper होता है, वो 75 marks का होता है. ठीक है मेरे बच्चों, सो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बिफोर स्टार्टिंग योर पेपर. यू मस्ट गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस. क्लियर हो गया? सेक्शन ए आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. ठीक, आप इसको ध्यान से देखें. सेक्शन ए आपका कुछ बिल्कुल इसी तरीके से आपको पिक्चर दिखाएगा. इफ वी स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, पार्ट ए अगर मैं इसका चेक करूं, ठीक, पार्ट ए इज बेसिकली टेलिंग मी दैट अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट वर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. अब आई एम श्योर कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम सब ने पढ़ रखा होगा, कौन थे, क्या काम करते थे, किस वजह से मशहूर थे. फेयर इनफ, बट यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी, एंड दैट इज
सोर्स ए. अब ये सोर्स ए क्या है, तो ये बात याद रखिएगा इन योर हिस्ट्री पेपर, और यहाँ पे सोर्स बी. इन योर हिस्ट्री पेपर बच्चों ये बात याद रखिएगा कि यू विल ऑलवेज बी गिवन एन इंसर्ट पेपर. आपके पास एक एडिशनल मटीरियल, एक एडिशनल रेफरेंस, एक एडिशनल सोर्स आपको दिया जाएगा जिसकी हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. ठीक है, मूविंग ऑन, मैं आपको दिखा भी देता हूं. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. ये चीज, दिस इज सोर्स ए. सोर्स ए आपके पास एक ऐसा एडिशनल मटीरियल होगा जिसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए अटेम्प्ट करना है. इट विल बी लाइक फ्यू सेंटेंसेस, इट विल बी अ पैराग्राफ, मे बी फ्रॉम योर बुक, मे बी फ्रॉम एनी जर्नल, मे बी फ्रॉम एनी मैगजीन, फ्रॉम एनी न्यूज पेपर और समथिंग. कहीं से भी आपको इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं. ये आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसके बाद यू विल बी आस्क, आपने जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सही है, दिस इज एग्जाम्पल और यू कैन से दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सोर्स ए. तो सोर्स ए हमेशा आपके पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट होगा, कोई लिखी हुई तहरीर होगी जिसको देखते हुए हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा. मूविंग ऑन, सोर्स बी. सोर्स बी आपके पास हमेशा एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई तस्वीर होती है, कोई डायग्राम होती है किसी की. अब इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा द ब्रिटिशर्स आर हैविंग सम चैट विद द पीपल हु आर लिविंग इन साउथ एशिया. सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, आम से लोग नजर आ रहे हैं, पुराने वक्तों के इनके कपड़ों को देख के आपके लग रहा होगा, और ब्रिटिशर्स उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे ग्रीट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है. सो व्हाट इज एक्चुअली बीइंग शोन इन दिस पिक्चर द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू. आपने इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और इस पिक्चर के नीचे कोई ना कोई रेफरेंस जरूर दिया गया होगा. ठीक है, आपके नीचे दो लाइंस देख रहे हैं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 1792 की पिक्चर है, बहुत पुरानी जो है वो पिक्चर है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा यू हैव टू अटेम्प्ट. ये सोर्स आपके पेपर के साथ मिलेगा, बिल्कुल आपके पेपर के साथ मिलेगा. ठीक है, इस सोर्स के बगैर आप क्वेश्चन नंबर वन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने बहुत ध्यान से देखनी है. अब अगेन, इस सोर्स को पढ़ना किस तरीके से है, इस पिक्चर को देख के हम ये किस तरह से बताएंगे कि भाई एग्जामिनर को हमने जवाब क्या देना है, यही चीज हमने इस सीनियर वन ग्रेड में सीखनी है. थ्रू आउट द ईयर हम इसको सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे. क्लियर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और क्वेश्चन नंबर वन पे जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी आपके लिए उतना अच्छा होगा कि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर ग्रैब कर सकें. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? सो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए, इट हैज 3 marks. पार्ट टू इट हैज 5 marks, पार्ट थ्री इट हैज 7 marks, एंड पार्ट फोर इट हैज 10 marks, एंड दैट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर टू everyone. अभी तक कोई अगर सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन. आई एम गिविंग यू लाइक 10-15 seconds. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी. प्रणाम, आगे बढ़ते हैं. दिस पिक्चर, यस, ये पिक्चर आपकी बुक से होगी, डेफिनेटली. आपकी बुक से अगर ना भी हो तो कोई ना कोई रेफरेंस बुक जो कि कैम्ब्रिज ने आपको रिकमेंड की होगी आपके कोर्स में, वहां से ये पिक्चर ली जाएगी. क्लियर, तो इससे मत घबराइएगा कि पिक्चर कहाँ से आएगी या किस रेफरेंस से होगी. ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने उस पिक्चर को या उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है, और इतनी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होती है. अच्छा, कितना क्वांटिटी में लिखना होगा, somebody is asking me, तो कितनी क्वांटिटी में आपने पार्ट थ्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितनी क्वांटिटी में पार्ट फोर अटेम्प्ट करना है, ये सारी की सारी बाद की बातें हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर हिस्ट्री पेपर. क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए लिखने के लिए, किस तरीके से लिखना है, वॉट इज द पैटर्न टू राइट द आंसर्स, ये सारी की सारी चीजें हम वक्तन फवक्तन थ्रू आउट द ईयर सीखते रहेंगे. ठीक है, तो 7 mark question, 10 mark question, 14 mark question किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, यही सारी की सारी चीजें हमने सीखनी है. बट नॉट टुडे, आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. लिखने का तरीका, क्वांटिटी, क्वालिटी, पैटर्न, वो सारी की सारी चीजें इन आर लेटर क्लासेस. चले मूविंग ऑन, सेक्शन बी. सेक्शन बी हैज
four questions and out of four questions you have to attempt any two of them. कोई भी दो आपने अटेम्प्ट करना है. Each question is of 25 marks. इस बात को बस ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो सेक्शन बी से दो सवालात और सेक्शन ए से एक क्वेश्चन. टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बन गए? 3 क्वेश्चंस. क्लियर हो गया? और टोटल मार्क्स आपके कितने बन जाते हैं? 75 मार्क्स. तो हिस्ट्री पेपर इज ऑफ 75 मार्क्स. और टाइम आपको उसके लिए कितना दिया जा रहा है? 90 मिनट्स. यू हैव टू अटेम्प्ट 75 मार्क्स पेपर इन 90 मिनट्स. सो दैट इज अ टास्क. That is something in which you need some good time management. Clear? तो time management आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और effectively आपने इसको लिखना आना चाहिए. तो section B में आपके पास four question होंगे और इसमें आपने कोई भी दो attempt करना है. Let me show you the picture of section B as well. ये कुछ इस तरीके से आपको section B नजर आएगा. Clear? आपको ये नजर आ रहे हैं कि क्योंकि screen पे पूरे questions शो नहीं हो सकते थे तो आई हैव लाइक गिवन यू एन ओवरव्यू. 1, 2, 3 and 4 सही हो गया जनाब. और एवरी क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, ए बी एंड सी. एंड लुक एट दिस, पार्ट ए हैज 4 मार्क्स, बी हैज 7 एंड सी हैज 14. अगेन 4, 7, 14. अगेन 4, 7 and 14 एंड सेम गोज विद द लास्ट क्वेश्चन. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने देखना है. आउट ऑफ दीस फोर क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टू ऑफ देम. कोई भी दो आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हो. क्लियर? एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स. हर सवाल जो है वो 25 मार्क्स का. तो आई होप दैट आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू के सारी की सारी चीजें हिस्ट्री पेपर के हवाले से. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस तरीके से हमारा पेपर आता है. अटेम्प्ट किस तरह से करना है वो बात की बात है. ठीक, दिस इज नॉट कंपल्सरी टू बाय एनी रेफरेंस बुक. ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी. पास पेपर्स के लिए भी आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है. वो सबकी सब चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दी पास्ट पेपर्स, माई नोट्स जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं. I will be sharing all of these things with you. अभी तो हमारी आज first class है. जैसे जैसे हम अपने lessons complete करते चले जाएंगे, I will be sharing and I will be uploading all these things over the Google Classroom. कुछ दिनों के अंदर आपका Google Classroom का जो account है वो भी setup हो जाएगा. तो वो सारी की सारी जो material होगा वो classroom पे हम upload करते रहेंगे. Along with this, you guys will also be having some quizzes. तो वो quizzes भी जो है वो lesson end होने पे हम classroom पे ही अपलोड करते हैं और वहीं पे आप इसको अटेम्प्ट करते हो और वहीं पे आपका इसके साथ रिजल्ट शेयर कर लिया जाता है. क्लियर हो गया? सो नो नीड टू वरी अबाउट कि हमने कोई चीज परचेज करनी है या नहीं करनी है. आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू. ठीक हो गया. मूविंग ऑन टू द ज्योग्राफी साइड. अगर हम थोड़ा सा क्विकली मूव करते हैं ज्योग्राफी की तरफ. आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ दिस लेसन. आप लोग परेशान हो रहे हैं लिखने के हवाले से, बुक्स के हवाले से, उसके लिए भी परेशान ना हो. अगर इस पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप जरा सा पूछें. बाकी क्वांटिटी और बुक्स वगैरह और वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे सेशन के एंड पे और लेटर ऑन. ठीक है, ज्योग्राफी पेपर. पाकिस्तान स्टडीज ज्योग्राफी पेपर हैज द पेपर कोड 2059/2. हिस्ट्री का पेपर कोड क्या था? 2059/1. ज्योग्राफी पेपर का पेपर कोड है 2059/2. ठीक होगी बात भाई. ज्योग्राफी पेपर अगेन 75 मार्क्स. टोटल मार्क्स आपको इसके भी 75 होते हैं. 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ देम. हर सवाल जो है वो 25 मार्क्स का. सो 25 × 3 becomes 75. हिस्ट्री में आपके पास थोड़ी सी restrictions ये थी कि question number 1 आपके पास compulsory होता था. ज्योग्राफी के अंदर इस तरह की कोई भी आपके पास restrictions नहीं है. You can attempt any of the question जो कि आपको बहुत अच्छा आता हो, आप वो question attempt कर सकते हो. ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी पेपर का cover page है. क्लियर हो गया?
2059/2. ठीक कब का है? May-June 2019. और अगेन इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 90 मिनट्स. 90 मिनट्स के अंदर आपने 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है. ये बात याद रखिएगा, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीखा तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी. तो मेरे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ यू वॉन्ट टू गेट सम गुड स्कोर, टाइम मैनेज करना सीख लीजिए. क्लियर हो गया? पेपर टू का नाम द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान. This is the name of your paper. Clear हो गया? इसकी instructions भी जरा सा हम देख लेते हैं कि इसकी instructions में क्या-क्या चीजें आपको दी हुई हैं. ये सब ये चंद एक कुछ आपको paper को attempt करने के लिए instructions हैं. जो instructions हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं, वो कौन सी instructions हैं? Let me scroll down the screen and there we go. हमारे पास जो चीज देखने वाली है वो ये है. ज्योग्राफी पेपर के अंदर भी यू विल बी गिवन सम एडिशनल सोर्सेस. कुछ इंसर्ट आपको दिए जाएंगे, कुछ एडिशनल तस्वीरें, कुछ एडिशनल ग्राफ्स, कुछ एडिशनल पर्चे हो सकता है आपको दे दिए जाएं. किस तरह की होंगी? इट विल बी सम फिगर्स. ठीक है, किस चीज के फिगर्स होंगी? मे बी कोई लैंडस्केप हो, मे बी कोई फॉरेस्ट की डायग्राम हो, मे बी किसी माउंटेन की डायग्राम हो, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई मैप हो सकता है. और उस डायग्राम को देखते हुए, उस फिगर को देखते हुए यू विल हैव टू अटेम्प्ट सम रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस. जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फिगर 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 and 4.6, ये सारी की सारी फिगर्स दी हुई हैं किस लिए? टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलरली फिगर नंबर 5.2 एंड 5.3 ये दी गई हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने के लिए. सो इफ एनीवन हु इज अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, आपको इन फिगर्स को देखना पड़ेगा, इन फिगर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. क्लियर है बच्चों? अब ये फिगर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्या होगा, अगेन हम ये बाद में सीखेंगे. उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स पे होंगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में मॉक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, इनफ आपको मटेरियल दिया जाएगा, प्रैक्टिस इनफ करवाई जाएगी कि आपको उसके लिए उसके बाद की सीरीज की परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर हो गया? नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी पेपर में आपसे पूछे जा रहे होते हैं. किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? अब भाई चूंकि ज्योग्राफी का पेपर है तो मैप्स के बगैर तो ज्योग्राफी का पेपर बिल्कुल अधूरा है. There will be different sort of maps. अच्छा, maps के लिए again आपके सवाल आने से पहले ही मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं. आपको पूरे पूरे maps रटे नहीं लगाने होंगे. ठीक है, maps पे रटे नहीं लगाने हैं. There are some respective information जो कि आपको मालूम होनी चाहिए. Especially पाकिस्तान के बारे में तो आपको वो चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और वो हो जाती हैं. जब हम लेसन पढ़ते हैं, मैप्स को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमें खुद ब खुद याद होना शुरू हो जाती हैं. तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइएगा. देयर विल बी सम ग्राफ्स, देयर विल बी सम डेफिनेशंस जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं. भाई सॉइल इरोजन क्या होती है, आप ये बता दीजिए कि टोपोग्राफी क्या होती है, आप ये बता दीजिए कि कोई चीज आप पीडमेंट प्लेन्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन, one mark, two mark, one mark, two marks. ठीक है, there will be cue box questions. ये किस तरह से होते हैं, इसको देखा जाएगा क्लास के अंदर. Picture descriptive, there will be some pictures given to you, और उस पिक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. To what extent? Again, ये भी किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे. ठीक है मेरे बच्चों, इतना बस याद रखने की जरूरत है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों ही पेपर्स हमारे पास 75 मार्क्स के होते हैं, और दोनों का जब रिजल्ट कलेक्टिवली बनता है तो ये बनते हैं 150 मार्क्स. तो आपको पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर होगा वो आउट ऑफ 150 मार्क्स में उसे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, कंबाइन होके इसका कोलैब मतलब कंबाइंड इसका रिजल्ट बनेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का, तो आउट ऑफ 150 यू विल गेट The marks. Clear हो गया? ठीक है,
मैप्स बुक में से भी आ सकते हैं, बुक से बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चीजें वही होंगी जो कि आपको मालूम होंगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आउट ऑफ द सिलेबस हो या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आके आपसे कोई चीज पूछ ली जाए। सो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्लियर? जो भी चीजें होंगी वो आपके रेलेवेंट कोर्स और करिकुलम से ही रिलेटेड होंगी। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चंस मींस रीजंस, हाँ रीजंस भी हो सकते हैं, उसमें आपकी बेसिकली एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है ना उसको चेक किया जा रहा होता है। ठीक है, एनालिटिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसको आपसे कहा जाता है कि आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर देना। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं आपको ज्योग्राफी का एक पेपर भी दिखा देता हूं। ठीक है, लेट मी शो यू। This is the past paper and there we go. अच्छा, इस पेपर को दिखाने का मकसद कतई ये नहीं है कि आपको डराया जाए किसी चीज से या आपको बहुत ज्यादा लाइक प्रेशराइज किया जाए। द बेसिक पर्पस, द बेसिक एम और यू कैन सी द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू शोइंग दिस पेपर इज कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। क्लियर? देयर विल बी फाइव क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ देम। कोई भी तीन सवाल आते हैं, पांच में से जो भी आपको तीन बहुत अच्छे से आते हो आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस मैप। ये मैप आपके पास गिवन है और उसके नीचे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। आपने बतानी है कि ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझसे पूछी गई है वो कहां पे फिट बैठती है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं उस पेपर को देखने का। ये पेपर्स आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। देयर आर डिफरेंट एंड्रॉइड एप्स, वेबसाइट्स जहां पे आपको ये पास पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। And of course, I will be sharing these papers along with their solutions. ये जो आपको blanks नजर आ रहे हैं, खाली space नजर आ रही है, I will be sharing it. इसको attempt किस तरह से करना है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे मौजूद होंगी। Clear? This is the question. एक भी इस तरीके से आपके पास geography का paper होता है। ठीक हो गया मेरे बच्चों? Now, if you have any question, so you can ask. History, geography paper कभी भी एक साथ नहीं होते मेरे बेटे। एक दिन आपका history का paper होगा और उसके बाद like जो भी आपके timetable में कोई next date होगी, like आमतौर पे 5-6 दिन का gap होता है between history and geography paper। तो एक दिन में एक ही paper लिया जाएगा, या तो history का होगा या geography का होगा। ठीक है, दोनों पेपर्स एक दिन एक साथ नहीं लिए जाते। ठीक, एनी अदर क्वेश्चंस? कितनी कॉपीज होंगी? ऑब्वियसली बात है, हिस्ट्री की कॉपी हमें सेपरेट बनानी है और ज्योग्राफी की कॉपी हमें सेपरेट बनानी है। सो टू कॉपीज फॉर पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग होगा। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस बिलोंग जो कि ज्योग्राफी से बिलोंग करेंगी वो हम गूगल क्लासरूम पे शेयर करेंगे। I have some recorded lectures. Even आज की भी जो क्लास है उसका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन YouTube. तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको और जो प्रीवियस सेशंस में बच्चे गुजरे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वक्तन फवक्तन, अभी फौरन नहीं। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते चले जाएंगे और जो रेलिवेंट लेक्चर रिक्वायर्ड होगा आई विल बी शेयरिंग द लिंक। वो सारे के सारे मेरे लेक्चर्स आपको वहां पे जाके मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके उसको दोबारा से देख भी सकते हो। अगर किसी की कोई क्लास मिस हो गई है, टाइम पे वो नहीं क्लास कंडक्ट कर सके या इंटरनेट इशू था और कोई भी मसला था, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे भी मिल जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। रेफरेंस बुक खरीदने को मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपने बाय करनी है सो बेटे गो फॉर इट, इसको परचेज कर लें।
आमतौर पे इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिकल बुक रिक्वायर्ड होती है, हर वक्त आप अपने साथ जो है वो मोबाइल फोन या अपनी टैबलेट लेके नहीं बैठे होते, क्योंकि स्कूल में भी आपको मोबाइल फोन और ये सब चीजें अलाव नहीं है, तो स्कूल के लिए आपको फिजिकल बुक रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आप ये रेफरेंस बुक की अगर आप बात करते हैं और ये परचेज कर लें तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, दैट इज द गुड ऑप्शन फॉर यू कि आपके पास हर वक्त आपकी वो रेफरेंस बुक जो है वो अवेलेबल रहेगी। फाइनल मिड टर्म थ्रू आउट द सेशन सिर्फ 2 कॉपीज बनेंगी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे साल के लिए। हाँ, अगर वो फिल हो जाती है तो फिर हम एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ अरेंज करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ 2 कॉपीज हमें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 2 हिस्ट्री का भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया नो नीड टू वरी, आने वाली क्लासेस में हम इसको समझ लेंगे। क्लियर है? पूरे पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने होते हैं हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी। हिस्ट्री में सिर्फ कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एज अ कंपलसरी क्वेश्चन, और बाकी के जो 4 हैं उसमें से कोई भी आप 2 कर लेते हो। लेकिन ज्योग्राफी में आपको ये भी आजादी है कि आप 5 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी के कर सकते हैं। ठीक है? सो आई थिंक के टुडे वॉज द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो हो गया है पेपर्स के हवाले से भी, और हमारा आपस में भी फिलहाल ऑनलाइन जो एक इंट्रोडक्शन था वो भी हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलीजियस रिफॉर्मर। तो आज की आपका टास्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर हिस्ट्री सेक्शन, हम हिस्ट्री से इसको स्टार्ट करेंगे, आपने रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में बुक रीडिंग करके आनी है। क्लियर? आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोग जवाब देंगे जिसका, और उसके बाद हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर हिस्ट्री सेक्शन, नेक्स्ट क्लास में आए तो पढ़ के आइएगा। कॉपी मेंटेनेंस के लिए जब आप स्कूल आओगे, जब कॉपीज बनेंगी तो उस वक्त आपको गाइड किया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सही है? ये इंस्ट्रक्शंस सीनियर 1 और सीनियर 2 दोनों के एग्जाम्स के लिए हैं, क्योंकि सीनियर 1 में भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपसे एग्जाम लिया जाता है जो कि सीनियर 2 का पैटर्न होता है। सही है? तो ये दोनों क्लासेस के लिए जरूरी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुक्स, अगर आपके पास जो बुक लिस्ट शेयर की गई है, अगर बुक लिस्ट में वही नाम है जो कि आपके पास प्रेप वाली बुक्स हैं तो वही चलेंगी, और अगर नेम्स डिफरेंट हैं, एडिशंस डिफरेंट हैं तो आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है? अदरवाइज वही बुक आप इसको चला सकते हो। ठीक हो गया? Someone who wants me to add you in your respective groups, वो WhatsApp पे separately अपने नाम के साथ और अपनी क्लास और सेक्शन के साथ मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा या करवा दूंगा। क्लियर हो गया बच्चों? सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टूडेज क्लास। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, आई एम अवेलेबल ऑन WhatsApp, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम का जो सेटअप होगा वो भी आपको गालिबन नेक्स्ट क्लास तक बता दिया जाएगा, तो उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। ठीक है? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चैप्टर नंबर 1 जरूर रीड कीजिएगा, रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम योर हिस्ट्री सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, एंड मेरे बच्चों अल्लाह हाफिज़।